Hey guys, first of all, good evening to everyone. This is Adesh from Spoken English Channel. Today, I have brought for you very excellent topic of English grammar of double part of speech. या ये कहें एक बहुत ही important part of non-finite verb, जिसका नाम है participle. आज आपके लिए हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का इंग्लिश कंपटीशन में पूछे जाने वाला और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर पूछे जाने वाला बड़ा ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सुपर डुपर वीडियो लेक्चर पार्टिसिपल. पार्टिसिपल को हिंदी में कहते हैं कृदंत. पार्टिसिपल को हिंदी में बोलते हैं कृदंत. देख लेते हैं, सबसे पहले पार्टिसिपल की परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं. पार्टिसिपल होता क्या है ये देख लेते हैं. पहले नॉन फाइनिट वर्ब का वह रूप जिसमें वर्ब व एडजेक्टिव दोनों के गुण हो पार्टिसिपल कहलाता है. अर्थात क्रिया का वह रूप जो एडजेक्टिव का भी कार्य करे, वर्ब का वह रूप जो एडजेक्टिव का भी कार्य करता है पार्टिसिपल कहलाता है. और पार्टिसिपल को हिंदी में कहते हैं कृदंत. अब देख लेते हैं काइंड ऑफ पार्टिसिपल. पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं. पहला प्रकार है प्रेजेंट पार्टिसिपल. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है. वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिंदी वाक्यों में कर, करके, करता हुआ, करते हुए आदि शब्द आते हैं. देख लेते हैं एग्जांपल. सीइंग ए लायन द टाइगर रैन अवे. शेर को देखकर चीता भाग गया. इस सेंटेंस में सीइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बना है और इसका अर्थ निकला है देखकर. आई मीन टू से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है और इसके हिंदी वाक्यों में कर, करके, करता हुआ, करते हुए आदि शब्द आते हैं. देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल. आई सॉ ए बेबी स्माइलिंग. मैंने एक बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा. मुस्कुराते हुए स्माइलिंग. हियर स्माइलिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. व्हाइल प्लेइंग ही फेल डाउन. खेलते खेलते वह गिर गया. खेलते खेलते वह गिर गया. व्हाइल प्लेइंग इज हियर प्रेजेंट पार्टिसिपल. हियरिंग द नॉइज सी केम आउट. शोर सुनकर वह बाहर आई. इस सेंटेंस में हियरिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. बीइंग हंगरी ही एट मैंगोज. भूखा होकर उसने आम खाए. भूखा होकर उसने आम खाए. आप देख लेते हैं नंबर दो पार्टिसिपल यानी सेकंड पार्टिसिपल होता है पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है और इसके हिंदी वाक्य जो समाप्त होते हैं वो होते हैं हुआ, हुई, हुए. ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है. वर्ब की थर्ड फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल बनता है और ये किसी नाउन की दशा अवस्था को दिखाता है, दर्शाता है. किसी नाउन की किसी अवस्था को दर्शाता है. जिस तरह से आई सॉ ए फेडेड फ्लावर. मैंने एक मुरझाया हुआ फूल देखा. हियर इन दिस सेंटेंस फेडेड इज पास्ट पार्टिसिपल. आई फाउंड माय लॉस्ट पर्स. मुझे मेरा खोया हुआ पैर मिल गया. इन दिस सेंटेंस लॉस्ट इज पास्ट पार्टिसिपल. द वांडेड बर्ड फ्लेव अवे. घायल हुआ पक्षी उड़ गया. इन दिस सेंटेंस वांडेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल को दर्शा रहा है क्योंकि पक्षी की दशा क्या है, वो घायल हुआ है. घायल हुआ वांडेड थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म है और किसी नाउन की दशा को दर्शा रहा है वो पास्ट पार्टिसिपल है. अब देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल. हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से परफेक्ट पार्टिसिपल का बनता है और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है इसमें दर्शाया जाता है कि एक कार्य के समाप्त होने की थोड़ी देर बाद ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है और इसके हिंदी वाक्यों में बाद या पश्चात आदि शब्द आते हैं. देख लेते हैं एग्जांपल. हैविंग टेकन टी ही वेंट ऑफिस. चाय लेने के बाद
वह ऑफिस गया। आई मीन टू से पहले चाय ली उसके बाद ऑफिस गया। पहला कार्य चाय ली, दूसरा कार्य ऑफिस गया, यानी कि एक कार्य के थोड़ी देर बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैविंग रीच्ड होम आई टुक बाथ, घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, यानी कि पहले घर पहुंचा उसके बाद स्नान किया। दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग लर्नड माय लेसन आई स्लेप्ट, अपना लेसन याद करने के बाद मैं सो गया, यानी पहले लेसन याद किया उसके बाद सो गया। एक बार फिर देख लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है और इसके हिंदी वाक्य जो है वो समाप्त होते हैं कर, करके, करता हुआ, करते हुए। आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर एग्जाम्पल। टर्निंग टू द राइट यू विल रीच द कॉलेज। आई मीन टू से दाएं मुड़कर तुम कॉलेज पहुंच जाओगे। इस वाक्य में टर्निंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह से आप देख लेते हैं एक सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ये किसी नाउन की दशा को दर्शाता है। आई मीन टू से किसी नाउन की अवस्था बताता है। इस तरह से आई सॉ ए वॉन्टेड सोल्जर, मैंने एक घायल हुआ सिपाही देखा। इसमें वॉन्टेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि थर्ड फॉर्म है और उसकी दशा क्या है, वो घायल हुआ है। आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपको। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिल गया। इस सेंटेंस में लॉस्ट खोया हुआ पास्ट पार्टिसिपल है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है और अर्थ निकलता है बाद या पश्चात, एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। जिस तरह से हैविंग टेकन हिज गन ही वेंट टू द फॉरेस्ट, अपनी बंदूक लेकर वह जंगल को गया। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की जानकारी के लिए अपने चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे।